पंजाब में शराब के कारोबार को सोने की खान कहा जाता है। वैध शराब की आड़ में ही अवैध शराब का कारोबार चलाया जाता है। पंजाब में जहरीली शराब से करीब 100 लोगों की मौत से यही पता चल रहा है कि शराब के नाम पर जहर बेचने का काम बिना किसी रोक टोक चल रहा था। अवैध तरीके से बनाई बेची जाने वाली शराब इसलिए अक्सर जहर का रूप धारण कर लेती है क्योंकि ज्यादा मुनाफे के लालच में उसे बेहद हानिकारक और अखाद्य सामग्री से बनाया जाता है। आमतौर पर अवैध शराब के कारोबार से पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग के लोग अवगत ही नहीं होते बल्कि वे उसे संरक्षण भी प्रदान करते हैं। दुर्भाग्य से ये काम देश के अन्य हिस्सों में भी होता है और इसी कारण रह रहकर जहरीली शराब के कहर ढाने के समाचार आते ही रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले महीने जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल में करीब 80,000 नए नशेड़ियों के केस सामने आए हैं। औसतन 215 नए लोग हर रोज नशाखोरी की गर्त में उतर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शराब के अलावा एक साल में 2.09 लाख नए नशेड़ी अफीम, भुक्की या कोई अन्य नशा कर रहे हैं। जनवरी से दिसंबर 2019 के दौरान हेरोइन का सेवन करने वालों की संख्या में 35% इजाफा हुआ है। रिकॉर्ड के अनुसार जनवरी 2019 में जहां हेरोइन के 5,439 नए मामले सामने आए थे, दिसंबर 2019 में ये संख्या बढ़कर 8,230 तक पहुंच गई। दरअसल हेरोइन की सप्लाई पाकिस्तान सीमा के रास्ते अफगानिस्तान से हिमाचल और दिल्ली के रास्ते होने के मामले सामने आते रहे हैं। नशे की रोकथाम के लिए SIT का गठन किए जाने के बाद पूरे राज्य में नशा तस्करों की धरपकड़ में तेजी लाई गई थी। कैप्टन सरकार के गठन के बाद 2017 में नशे की बिक्री में कमी आई थी लेकिन सेहत विभाग के आंकड़ों से साफ हो गया है कि नशा राज्य में अब भी पहुंच रहा है। चार साल में 47,000 नशा तस्कर पकड़े गए। खास बात यह है कि देश के मुकाबले पंजाब राज्य में नशे की बरामदगी और नशा तस्करों की गिरफ्तारी सबसे ज्यादा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2015-2018 तक सूबे में भारी मात्रा में गांजा, हेरोइन, अफीम, भुक्की और नशे की गोलियां बरामद की गई। बरामदगी में पंजाब का स्थान यूपी और राजस्थान से भी आगे है। चार साल में पंजाब में हेरोइन 1,884 किलो, गांजा 5,414 किलो, अफीम 1,670 किलो, नशे की 1,58,00,000 गोलियां पकड़ी गई। पंजाब के माझा में अगर अवैध शराब का धंधा अधिक है तो मालवा में भुक्की, अफीम और चरस की बिक्री जोरों पर है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नशे का अवैध धंधा पूरे पंजाब में जोरों पर है जिसके परिणाम स्वरूप आज सैकड़ों हजारों घर नशेड़ी हो चुके हैं। पंजाब में नशे का धंधा पिछले कई दशकों से चल रहा है। अकाली भाजपा सरकार के समय भी अवैध शराब और नशे के धंधे ने एक बार जोर पकड़ा था और अकाली भाजपा सरकार को लोगों ने बढ़ते अवैध धंधे के कारण सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन आज कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर भी वही आरोप लग रहे हैं। इस तथ्य को समझते हुए ही पंजाब सरकार ने जहरीली शराब के कहर के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए 2 DSP, 4 SHO और 7 आबकारी कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश भी दिए थे। समय की मांग है कि अवैध शराब के दोषियों को सख्त सजा मिले, इनको संरक्षण व समर्थन देने वालों के चेहरे भी बेनकाब हों। पंजाब सरकार अगर ऐसा करने में असफल रहती है तो आने वाले चुनावों में कैप्टन सरकार को इस लापरवाही और उदासीनता दिखाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों को सलाखों के पीछे भेजना सत्ताधारियों की जिम्मेवारी है। सत्ताधारी अगर अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहते हैं तो क्या फिर उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार है? एक और बड़ा सवाल कि ऐसे में जनता के पास क्या विकल्प रह जाएगा, क्योंकि सरकार किसी की भी हो स्थिति जस की तस है। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज़।